वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामाइट शो AEW 5-year डायनामाइट शो शुरू होने वाला है। और आज यहां पर AEW के 5-year एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबल मेजर डेब्यू या रिटर्न होने वाले गए। गाइस यहां पर इस चीज के हाई चांसेस हैं कि AEW के 5-year एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी लेस्ली आज यहां पर उनका डेब्यू करे। और लास्ट वीक MVP के ग्रैंड स्लैम पर डेब्यू करने के बाद आज यहां पर बॉबी लेस्ली AEW के शो के ऊपर अराइव हो। बट गाइस, बॉबी लेस्ली के बाद शेन मैकमैन वो बड़ा नाम है जिसके यहां पर AEW के अंदर आज यहां पर 5-year एनिवर्सरी डायनामाइट शो पर डेब्यू करने के हाई चांसेस है। और क्या पता फाइनली AEW के अंदर आज यहां पर शेन मैक AEW कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइस, इसके अलावा AEW के 5-year एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर AEW सुपरस्टार जे वाइट उनका रिटर्न करने वाले गए। और वो यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज को फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस, इसके साथ साथ एडम कोल जैसे रेसलर्स भी करंटली यहां पर मेडिकली क्लियर हो चुके गए और कोल के रिटर्न होने के भी हाई चांसेस है। वेल गाइस, देखना दिलचस्प होगा कि शो के ऊपर एडम कोल, जे वाइट, शेन मैकमैन या बॉबी लेस्ली में से कोई यहां पर अपीयर होता है या नहीं। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर गोल्डबर्ग, राइबैक और बेकी लिंच जैसे फ्री एजेंट होने के बाद क्या इनमें से कोई AEW को ज्वाइन करता है या नहीं, या AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF, केनी ओमेगा जैसे रेसलर आज यहां पर 5-year एनिवर्सरी डायनामाइट पर रिटर्न करते हैं या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, शो के ऊपर कौन सा डेब्यू या रिटर्न होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।